नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चलें अयोध्या धाम। इस वक्त अयोध्या धाम में दीप उत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ तैयारियां चल रही है। अयोध्या धाम स्वर्ग से भी सुंदर, मेरा अयोध्या धाम। इस समय अयोध्या श्री राम पुरुषोत्तम भगवान जी का जन्मभूमि विशाल भव्य अयोध्या, चारों तरफ विकास ही विकास की धारा बह रही है। अयोध्या में इस दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर के साथ शासन प्रशासन तैयारियां चालू की है। वहीं पर आपको बताते चलूं, 23 अक्टूबर 2022 को दीपोत्सव मनाया जाएगा। या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अयोध्या धाम में दीपोत्सव का आगाज करते हुए या सबसे बड़ा प्रशंसक के तौर पर देखा जाता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। विशेष तौर से क्या तैयारियां चल रही है इसकी निगरानी भी लगातार आला अधिकारी भी करते हुए देखा गया है। वहीं पर बताते चलूं कि इस बार अयोध्या में दीपोत्सव का 15 लाख दीप जलाए जाएंगे, जिससे कि अयोध्या विश्व रिकॉर्ड का दर्जा फिर मिलने जा रहा है। जहाँ पर आपको बता दूँ कि पिछले 5-6 सालों से अयोध्या में दीपोत्सव के शुभ अवसर पर अयोध्या में गिनीज ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड मिलते जा रहे हैं। यह साकेत महाविद्यालय से 11 झांकियां रामायण की थीम पर आधारित होगी और 5 डिजिटल एनिमेटेड झांकियां और सड़कों पर सुशोभित करेगी। अयोध्या दीपोत्सव के दिन ही 1841 करोड़ रुपये की लागत से 229 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण शिलान्यास। अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। अयोध्या स्वर्ग से भी प्यारा है, या विकास की धारा लगातार देखी जा रही है, जहां पर अयोध्या वासी और आने जाने वाले तीर्थयात्री बहुत ही खुश और विकास की धाराओं को देखते हुए सलूट कर रहे हैं। श्री राम जी का जन्मभूमि या विशेष दीपोत्सव का आगाज करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस पर विशेष तौर तरीकों का देखते हुए अयोध्या दीपोत्सव का आगाज के साथ साथ विशेष तैयारियां चल रही है। शासन प्रशासन मुस्तैदी से लगी हुई है। 8 देशों के और 10 प्रदेशों की रामलीला मंडली अयोध्या का शोभा बढ़ाएगी। 23 अक्टूबर 2022 को अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज करते हुए दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें कि भारत के कोने कोने से तीर्थयात्री इस वक्त पहुंच रहे हैं। दीपोत्सव का विशाल शोभा देखते हुए आप सभी 23 अक्टूबर 2022 को भगवान श्री राम जी के अयोध्या पधारने का आप सभी लोगों का आज सुबह टाइम्स निमंत्रण आपको भेजती है। आप भी आइए, आपका स्वागत करती है अयोध्या धाम। जिस वक्त चारों तरफ इस वक्त चमकने और दमकते हुए विकास की धाराओं के साथ साथ अयोध्या तीर्थस्थल को और विशाल बनाने के लिए यह विशेष कार्य देखी जा रही है। 23 अक्टूबर 2022 को अयोध्या में आप सभी का सादर आमंत्रित भगवान श्री राम जी के नगरी में आने का आमंत्रित करता है आज सुबह टाइम। अयोध्या में दीपोत्सव हर वर्ष की भांति मनाई जा रही है। पिछले 5-6 सालों से आप देख सकते हैं कि दीपोत्सव का गिनीज ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड मिलती जा रही है। या हम सभी के नेतृत्व करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दीपोत्सव का आगाज के साथ साथ आज दीपोत्सव के साथ साथ आज अयोध्या विकास की धाराओं के साथ आगे बढ़ रही है। हम सभी को अयोध्या आकर दर्शन करना चाहिए। आप यदि अयोध्या आए हैं तो काशी, प्रयागराज और अयोध्या जरूर से जरूर दर्शन करें। फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।